हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। पाइथन के अंदर खासतौर पे इंटरव्यूज में और कभी कभी तो एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर ही पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, सबसे पहला काम कि यहाँ पर कोई भी लूप यूज कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए फॉर लूप यूज कर लिया मैंने और यहाँ पर आई लगा लिया, इन ऑपरेटर लगा लिया, इन रेंज। तो यहाँ पर रेंज लगाने का मतलब है कि लास्ट में एक माइनस होगा। अब लास्ट में वैल्यू क्या दी जाती है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि आपने क्वेश्चन क्या आपको मिला है, क्या क्वेश्चन दिया गया। जैसे मान लीजिए 10 दे दिया गया, अब पूछा जाता है ऐसे कंडीशन में कि इसका आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट हमेशा क्या आएगा, स्टार्टिंग हमेशा जीरो से होगी और एंडिंग लास्ट माइनस वन। तो देखिए ये लास्ट ही है, अगर आपको सिर्फ एक ही इसमें वैल्यू दी गई है तो ये लास्ट है। तो लास्ट माइनस वन यानी कि 0 से 9 तक ये प्रिंट करेगा, यही इसका आउटपुट आएगा। ठीक है, देखिए मैं दिखा भी देता हूं। यहां पर अगर आई को मैं प्रिंट करवा देता हूं, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, यहां पे पहले सेव कर लेता हूं .py लगा करके, ये हो गया। अब देखिए यहां पर 0 से 9 तक ही आउटपुट आपको मिलेगा। तो देखिए कुल मिलाकर 10 आउटपुट यानी 0 से 9 तक आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी कंडीशन ये बन जाती है कि 10 से लेके 20 तक। अब ये 10 से लेके 20 तक, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग यहां से हो रही है और एंडिंग यहां पे, तो रेंज लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग और एंड माइनस वन, ये बीच की सारी वैल्यू स्टार्टिंग से लेके एंड माइनस वन तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। यानी 10 प्रिंट होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 प्रिंट होगा, लेकिन 20 नहीं प्रिंट होगा। F5 करके देख लेते हैं इसको चला के, तो यहां पे देख सकते हैं 10, 11, 12 जैसा कि मैंने बताया था वही प्रिंट होकर आ रहा है। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या बनती है। थर्ड कंडीशन ये बनती है कि इसमें तीन तीन का स्टेप दे दिया गया। स्टेप देखिए, ये स्टार्टिंग वैल्यू है, ये एंडिंग वैल्यू है, ये स्टेप है। अब स्टेप का मतलब ये हो गया कि तीन तीन के गैपिंग पर, जैसे 10 के बाद 11, 12, तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, 13 आ रहा है, तो यहां 13, 10 के बाद 13 यानी 10 के बाद 13 प्रिंट होगा, 13 के बाद 16 प्रिंट होगा, 16 के बाद 19 प्रिंट होगा, बाकी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो चलिए एक बार चलाते हैं, देखते हैं इसको। तो ये चला दिया हमने, तो देखिए 10 के बाद 13, 16 और 19 ही आपको प्रिंट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है ना,